हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए गाइस। मैं आज एक ब्लॉग लेके आया जो कि हॉन्टेड ब्लॉग है, हॉन्टेड फैक्ट्री है, जिसके बारे में आपने लोग सुना होगा, कई यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी। तो गाइस, मैं अकेले आया हूँ और ये फैक्ट्री के बारे में कुछ बताऊँगा आपको। यहाँ पर एक फातिमा नाम की लड़की के साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण कि लड़की की जो आत्मा है वो यहाँ दिखाई देती है। तो यहाँ पे कई यूट्यूबर आए हैं, जैसे GRST और खान का ब्लॉग, ऐसे कई यूट्यूबर आए हैं। बहुत कोशिश करने के बाद ये लोकेशन मुझे मिली है, जिसे मैं क्लियर करने आया हूँ आज कि ऐसा क्या कुछ है यहाँ पे कि नहीं है। फिलहाल उसके मेन गेट पे ऐसा बहुत बड़ा ताला लगा था जिसके अंदर से हम जा नहीं सकते, ये दीवार टपके जानी पड़ेगी। तो गाइस, ये लोकेशन देख लें कि ये वो हॉन्टेड फैक्ट्री है। अब ये कंधा, ये कंध टप के जाना पड़ेगा। तो भाई, इतने सुनसान इलाके में एक ऐसी फैक्ट्री है, जैसे कि आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये दीवार टप के जानी पड़ेगी मुझे। और दिखाता हूँ आपको ये फैक्ट्री। तो भाई, 4-5 फीट की दीवार है ये, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है, क्योंकि मैं अकेले आया हूँ। गाइस, कुछ लग रहा था मुझे। बाकी दिखाते हैं ये फैक्ट्री। गाइस, ओह गाइस, तार मूव हो रही है। आज फिलहाल तो मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, क्योंकि मैं अकेले आया हूँ और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ का मुझे आभास हो रहा है कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। तो गाइस, मैं इसके बारे में बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ पे लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि शायद इसके अंदर डूब गई थी, या ये गहरा लग रहा मुझे, आप भी देख सकते हैं। तब से यहाँ पे जो लड़की की स्प्रिट है यानी आत्मा, वो यहाँ दिखाई देती है। गाइस, ये सारी लोकेशन इस टाइम तो यहाँ से दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। फैक्ट्री को ऐसी बाउंड्री कर दी गई है जहाँ से कोई आए जाए ना। गाइस, यहाँ एक्टिविटी हो रही है और इस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा है। गाइस, ये दो चीज़ें इकट्ठे मूव हो रही हैं, पहले तो ये पाइप और दूसरा वो सामने स्टील का ड्रम।
गाइस ये मंजा अभी तक तो ये पुट्ठा पड़ा हुआ था और ये ड्रम ऑटोमेटिक हिलने लग गया। गाइस छत पे कुछ दिख रहा फिलहाल तो कैमरे में भी कुछ दिख नहीं रहा खास क्योंकि कई चीज़ें हैं। गाइस ये इतना बड़ा पाइप जो कि अभी एक सेकंड के लिए तो जैसा कि हवा में उड़ रहा था गाइस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरे पीछे भी चल रहा है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। गाइस ये तार मूव हो रही है और ये अंदर गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ दीवार बहुत ऊंची है। मैं गाइस कुछ चीज मूव हो रही थी मैं यहाँ से, क्योंकि इस टाइम मैं अकेले आया हूँ और मुझे घबराहट वगैरह और ये डर बहुत लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ किसी चीज़ का होने का ऐसा लग रहा कोई है। मैं चलता हूँ, आऊँगा किसी अगले दिन या किसी को साथ में लेके। बाकी तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।